न्यूजीलैंड पुलिस तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत न्यूज सब द्वारा प्राप्त किए गए अंकड़े पिछले कुछ सालों में संसद मैंबरों के खिलाफ दर्ज कीतियां धमकियां दे एक लॉग का खुलासा करते हैं। इस लॉग के मुताबिक 2019 विच पहले पूरे साल विच लॉग संचालित किया गया सी, जिस विच 38 धमकियां सन जिन्हां विच पुलिस भी शामिल हुई सी। ये 2020 दे विच 54, 2021 विच 70 ते फिर 2022 दे विच 101 हो गईयां। इन्हां विच इकल्ले साबका प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन की गिनती सब तो सिग्निफिकेंट है। उन्हां दे खिलाफ 2019 दे विच 18 धमकियां, 2020 दे विच 32, 2021 दे विच 50 अते फिर 2022 दे विच 60 धमकियां दर्ज कीतियां गईयां सन। इसका यह मतलब है कि पिछले साल आर्डन विरुद्ध पुलिस ने होर सियासतदानां लई जो रिकॉर्ड किया सी उस नालों वधेरे धमकियां शामिल सन। आर्डन तो इलावा पुलिस यह बिल्कुल नहीं दसेगी कि किहड़े संसद मैंबरां नूं धमकी दित्ती गई सी जां किहड़ी खास किस्म दीआं धमकियां शामिल सन, पर कहा गया है कि धमकियां दे आम सुभाव विच मौत दीआं धमकियां, धमकियां जां अपमानजनक ईमेल, फोन कॉलां अते सोशल मीडिया पोस्ट शामिल सन। पुलिस ने कहा है कि इन्हां धमकियां की प्रेरणा हमेशा स्पष्ट नहीं हुंदी है, पर आर्डन लई कोविड फतवा अते सरकार विरोधी भावना आम विशा रहे सन। पिछले साल के तत्काली उप प्रधानमंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा है कि लेबर इस गल ते विचार कर रही है कि दुर्व्यवहार विच वाधे नूं देखदे होए उन्हां दी चोण महिम नूं किवें वक्खरे तरीके नाल चलाउणा है। यह सुझाव भी दिता गया है कि पार्टी नूं रवायती चोण वाकआउट नूं खत्म करना पै सकता है। नवे प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने कहा है कि वह अपनी सुरक्षा बारे शायद थोड़े घट चिंतित हैं क्योंकि उन्हां कोल हुण एक टॉप दी जॉब है। मैनू अजकल इस नाल थोड़ा जिहा होर समर्थन भी मिलता है। हिपकिंस ने कहा है कि प्रधानमंत्री आम तौर पर सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी करन तो झिझकते हैं अते ओ इस नू नहीं बदलणगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यूजीलैंड वासियों लिए मेरा संदेश है कि दोस्त बनाते रहन जो तुहाडे नाल असहमत हैं, क्योंकि इस तरीके नाल असी एक पोलराइज्ड वाले समाज तो बचते हाँ जिथे साडे कोल सियासतदानों विरुद्ध हिंसा दीआं धमकियां वधण वर्गियां चीज़ां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजेड पंजाबी न्यूज़।